आज के इस वीडियोस में हम आप सबको फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। फिजिक्स का सब्जेक्टिव सेंटअप एग्ज़ाम के लिए, जो भी सेंटअप एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो है। आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं। सभी लोग इस वीडियो को देखिए और फिजिक्स के आने वाले प्रश्नों को, सब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान जाइए। 100% इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, बस आप लोग है ना इसकी तैयारी कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार आप लोग लाइक भी कर देंगे और अंत तक देखिए। चलिए आपका देखिए दो नंबर सवाल होगा, प्रश्न 1 से 20 तक लघु उत्तरीय, 10 प्रश्न का उत्तर देना है जिसमें प्रत्येक को 2 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। पहला आपका क्वेश्चन, एक बिंदु के विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल है, विस्थित विद्युत वाहक के लिए कूलम्ब का नियम लिखिए। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखें। 5 है कि अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। विभव मापी के 2 उपयोग लिखना है। लॉरेंट्स बल से आप क्या समझते हैं। एम्पियर की परिभाषा लिखें, ठीक है। 9 नंबर है, शंट का 2 उपयोग लिखना है। 10 है कि धारितीय प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक के 2 परिभाषाओं के लिखे। 1 विक्षेपण की क्षमता की परिभाषा लिखे। प्रकाशीय पथ से आप क्या समझते हैं। 14 है कि बामर श्रेणी से आप क्या समझते हैं। 15 है अल्फा किरण के 2 गुण लिखे। 16 है नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। 17 अर्धचालक से वर्धित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। 18 है भूत रंगों से आप क्या समझते हैं। 19 WW से आप क्या समझते हैं। 20 समस्थानिकों से आप क्या समझते हैं। तो 20 में से 10 प्रश्न ये लघु उत्तरीय थे, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय देखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके टोटल 6 प्रश्न होंगे, उसमें से 3 प्रश्नों को 5-5 नंबर का है, ठीक है। पहला है आपका खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करने। 1 विक्षेपण रहित विचलन की आवश्यक शर्तों की ज्ञात करें। किरचॉफ के नियमों को लिखे और व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए आवश्यक संतुलन शर्त स्थापित करना है, ठीक है। 24 है स्थिर वैद्युत गति में गॉस प्रमेय के लिखे और सिद्ध करें। अच्छी स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आप प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इन सबको याद कर लीजिए, इसमें से सबका ही लड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।